मेवाड़ की नाथ द्वारा विधानसभा सीट यूं तो प्रदेश के सियासी सफर में महत्वपूर्ण मुकाम की तरह रही है, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी की 2008 के विधानसभा चुनावों में एक वोट से शिकस्त ने इस सीट को प्रदेश की राजनीति का अलग ही अध्याय बना दिया। दरअसल डॉक्टर जोशी को कभी उन्हीं के सहयोगी रहे दिवंगत कल्याण सिंह ने एक वोट से हराया था, लेकिन कहते हैं कि समय और परिस्थितियां खुद को दोहराती भी हैं। कमोवेश इस सीट पर इस बार एक बार फिर जहां डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके शिष्य रहे महेश प्रताप सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर सीपी जोशी की माने तो उनके लिए ये टक्कर राजनीतिक पार्टियों के आमने सामने होने वाले चुनाव की तरह ही सामान्य है। हमारे साथ काम करने वाले शिवदान सिंह जी भी थे, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी भी थे, महेश प्रताप सिंह जी भी हैं। व्यक्ति कोई न कोई चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी ने उनका चयन किया है, इसलिए चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। वो भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई उम्मीदवार होगा, अच्छा है मेरे साथ काम करने वाले को उन्होंने चयन किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद, पर चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा। दरअसल सीपी जोशी को एक वोट से हराने वाले दिवंगत कल्याण सिंह कभी जोशी के चुनाव संयोजक की भूमिका में रहा करते थे। कमोवेश कुछ ऐसी ही भूमिका पिछले 10 वर्षों में महेश प्रताप सिंह की रही है। महेश प्रताप सिंह लंबे अरसे तक कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए खड़े रहे, लेकिन इस बार भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वो मोदी के विकास के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर जोशी से मुकाबले के सवाल पर महेश प्रताप सिंह ने साफ किया कि डॉक्टर जोशी के साथ का अनुभव भी उन्हें इस चुनाव में मदद करेगा। ये तो मैं मैंने चुनाव है, मैं एक नॉर्मल चुनाव की तरह चुनाव लड़ रहा हूँ। रही बात सीपी जोशी जी की, तो हम साथ काम किया है, उनका अनुभव भी मैं काम में लूँगा। उनके साथ काम किया है और वो वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो अनुभव मैंने गेन किया वो भी मैं बिल्कुल काम में लूँगा। बहरहाल एक वोट से शिकस्त झेलने वाले डॉक्टर सीपी जोशी के लिए ये चुनाव किसी और पचड़े के बजाय जीत हासिल कर अपनी प्रतिष्ठा को साबित करने वाले हैं, और ऐसे में उनका ध्यान गुरु के रूप में तैयार किए गए अपने चेले के हर उस घात पर प्रतिघात करने की होगी, ताकि गुरु और शिष्य की परंपरा के असली स्वरूप को बचाया जा सके। रवि कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर।